बढ़ती महंगाई के बीच किचन का बजट लगातार बढ़ रहा है। खाने के तेल पहले से महंगे हैं और अब मसालों के भाव तेजी से बढ़े हैं। 2022 में अब तक हल्दी, जीरा और धनिया 25% तक महंगे हुए हैं। एक साल पहले के मुकाबले इन मसालों के भाव 71% तक बढ़ गए हैं। कोरोना संक्रमण के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, इसलिए खाद्य तेल के साथ अन्य खाद्य सामग्री की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। अब यह महंगाई रोजाना रसोई में इस्तेमाल होने वाले मसालों तक पहुंच गई है। सरसों रिफाइंड सहित खाने के तेल पिछले साल से ही महंगे हैं और अब मसालों की बढ़ती महंगाई ने खाने का जायका और बिगाड़ दिया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान सहित गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फसल उत्पादन कमजोर है। बकाया स्टॉक भी मांग के मुकाबले कम है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में धनिया की फसल 45% कमजोर है। सौंफ और अजवाइन की पैदावार भी कमजोर है। इसका असर कीमतों पर आना तय है। एक महीने में हल्दी के भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़े हैं। वहीं एक महीने के अंदर मोटी सौंफ में 40 रुपये किलो, दाल चीनी में 50 रुपये, काली मिर्च में 90 रुपये, लाल मिर्च में 50 रुपये, जीरा में 80 रुपये, धनिया में 50 रुपये और हल्दी में 100 रुपये प्रति किलो का उछाल आया है, जबकि इलायची की कीमत में 40 रुपये की गिरावट। वर्तमान में शादी विवाह का सीजन भी शुरू हो गया है, जिसके चलते बाजार में मसालों का भाव में तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं साल भर के मसाले भरने की होड़ भी लोगों में लगी हुई है, जिसके कारण भी वर्तमान में दाम बढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट महंगा होने के कारण भी मसाले महंगे हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।